आखिरकार खबर का हुआ असर। आपको बता दें कि पिछले 72 घंटे में लापता हुए शिक्षक के खबर चलने के बाद आखिरकार पुलिस प्रशासन, जनप्रतिनिधि, आम लोग और मीडिया के यानी अनुभवी आंखें के भी सहयोग से आखिरकार लापता शिक्षक सकुशल घर लौट आया है। यह खबर आ रही है बिहार के बांका से। बता दें कि बांका जिले के चांदन प्रखंड अंतर्गत आनंदपुर ओपी क्षेत्र के कुरुमटाड़ गांव की घटना है। बीते 4 दिसंबर को कुरुमटाड़ गांव के तस्लीम अंसारी के 46 वर्षीय पुत्र शिक्षक रफातक हुसैन को सिमुरतला थाना क्षेत्र अवस्थित नवनीत मध्य विद्यालय लेटवा जाने के क्रम में मुकुंदा के आसपास अगवा कर लिया गया था। नाम अभी स्पष्ट रूप से नहीं आया है किसी का, क्योंकि इनके घर वालों ने इसे कोई और बात बताई नहीं थी और नाम अभी स्पष्ट रूप से किसी का नहीं आया है। पुलिस हर हम लोग हर पॉइंट ऑफ व्यू पर इसको देख रहे हैं कि किसका हाथ हो सकता है। शिक्षक कुछ बताए नहीं, इन्होंने तो ही बताया कि चूँकि इनको तो आँख बंद करके 3-4 लोग यहाँ से कहाँ से मुकुंदा के आगे से उठा कर ले गए थे और उसके बाद तो उनका आँख बंद ही रखा गया था, तो विशेष कुछ बताने में असमर्थ है कि कहाँ ले गया कैसे रखा, बस इनको छोड़ा गया। इनको अनुभव है कि आसपास झाझा के आसपास कहीं छोड़ा गया। जानकारी पर अगवा हुए शिक्षक के पिता तस्लीम अंसारी ने आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार को गुमशुदा की जानकारी दी, जिसके बाद उनकी ढूंढने की कार्रवाई शुरू हुई। आपको बता दें बांका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के नेतृत्व में लगातार छापेमारी जारी थी, वहीं शिक्षक की तलाशी में परिजन भी लगे हुए थे। मीडिया में भी लगातार खबरें चल रही थी। अनुभवी आंखें ने भी इसे प्रमुखता से 2 बार खबरें चलाई। आपको बता दें कि बांका पुलिस हार नहीं माने। अंत में बांका पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सत्यप्रकाश के आदेश के अनुसार CIT की टीम गठित हुई। बेलहर के अनुमंडल के पदाधिकारी राजकिशोर कुमार के नेतृत्व में चांदन थाना अध्यक्ष विष्णुदेव कुमार, आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार, कटोरिया थाना अध्यक्ष महेश्वर राय तथा सुइया थाना अध्यक्ष मनीष कुमार आदि सशस्त्र बल के संयुक्त छापेमारी का लाभ भी सामने देखने को मिला। इस छापेमारी के बाद बांका पुलिस के दबिश में आकर अपराधियों ने अगवा किए गए शिक्षक को आखिरकार झाझा थाना क्षेत्र के जंगल में छोड़कर भाग खड़े हुए। वहीं अपहरणकर्ता से मुक्त हुए शिक्षक किसी तरह रात के 11 बजे अपने गांव पहुंचे कुरुमटाड़, और वहां कैंप कर रहे बेलहर अनुमंडल के अधिकारी राजकिशोर कुमार, आनंदपुर ओपी अध्यक्ष सुनील कुमार, अवध निरीक्षक श्याम जी रजक, कटोरिया थाना अध्यक्ष महेश्वर राय आदि पुलिस बल के शिक्षक को कब्जे में लेकर आनंदपुर थाना ले आया। बहरहाल बता दें कि इस बड़ी उपलब्धि पर अनुमंडल अधिकारी ने राजकिशोर कुमार ने बताया कि आखिरकार 193/23 के तहत मामला दर्ज था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। बांका पुलिस अधीक्षक के आदेश के अनुसार कार्रवाई भी हुई। अपराधी पुलिस के दबाव में आकर अगवा किए गए शिक्षक को मुद कर भाग खड़े हुए हैं, लेकिन जल्द ही तमाम जानकारी जुटा कर अपराधियों को धर दबोचा जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल शिक्षक रफाकत हुसैन को आनंदपुर उपी पुलिस अभिरक्षा में बांका पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से अग्रिम कार्रवाई करते हुए शिक्षक रफाकत हुसैन को परिजनों को सौंप दिया गया। इधर अगवा हुए मुक्त शिक्षक की बरामदगी पर पुलिस ने राहत की सांस ली है, तो परिजनों ने भी पुलिस को खूब धन्यवाद दिया है और वे गणवान्वित भी महसूस कर रहे हैं। बता दें कि शिक्षक रफाकत हुसैन के अपराधियों ने मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि अगवा करने के बाद अपराधियों ने उसे कहां ले जाकर रखा था, उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है। बहरहाल घर सकुशल लौटने पर लोगों और ग्रामवासियों में बेहद खुशी है। बांका से मुख्तार अंसारी की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227877।